मजीद हस्पताल में रखना है या जेल मुंतकिल किया जाए। नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल मुंतकली, मामला मेडिकल बोर्ड के सपुर्द। बोर्ड टेस्ट रिपोर्ट्स का मुआयना करके हतमी फैसला करेगा। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, नवाज शरीफ को वापस जेल मुंतकिल करना है या मजीद हस्पताल में रखना है, इसका हतमी फैसला मेडिकल बोर्ड से मशरूत कर दिया गया। नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल मुंतकली, मामला मेडिकल बोर्ड के सपुर्द। बोर्ड टेस्ट रिपोर्ट्स का मुआयना करके हतमी फैसला करेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बीमारी की वजह से सर्विसेज अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और उनके मुतअद्दिद टेस्ट लिए गए हैं। मेडिकल बोर्ड के सामने रिपोर्ट्स को पेश किया जा रहा है और नवाज शरीफ को मजीद हस्पताल के अंदर रखना है या वापस कोट लखपत जेल मुंतकिल करना है, इसका हतमी फैसला रिपोर्ट्स के साथ मुंसलिक कर दिया गया है और मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स देखकर यह फैसला करेगा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस जेल मुंतकिल किया जाए और उनको वहां पर इलाज की सहूलियात दी जाए या अस्पताल के अंदर ही उनकी मौजूदगी लाजिम रहेगी। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं इस अहम मामले की पेशरफ के हवाले से। अली अरबाज हमारे साथ मौजूद हैं, अली अरबाज से जान लेते हैं। अली बताइएगा, मेडिकल बोर्ड की क्या सिफारिशात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पिछले तीन रोज़ से जो साबिक वज़ीर आज़म के टेस्ट किए गए हैं उसके जो अब रिपोर्ट्स हैं वो कंपाइल कर ली गई हैं और अब जो सिफारिशात हैं वो भी मुरतब कर ली गई हैं 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने, और वो सिफारिशात महकमा सेहत को भी भिजवा दी गई हैं। जो पैनल के जो सरबरा हैं अयाज महमूद, उनका कहना है कि आइनी तरीके से वो बता नहीं सकते रिपोर्ट्स किसी भी तरह से, इसलिए जो भी सिफारिशात हैं वो महकमा सेहत और वज़ारत दाखिला को भी भेजी गई हैं और जो रिपोर्ट्स की रोशनी में उनकी कुछ अद्वियात भी जो है साबिक वज़ीर आज़म की उनमें रद्दोबदल किया गया है। इसके साथ साथ जो है ये भी कहा गया है कि जो अमराज़ कल्ब में मुबतला है इसलिए उनको किसी दिल के स्पेशलिस्ट हस्पताल में मुंतकिल किया जाए क्योंकि यहाँ सर्विसज़ में उनका दिल का इलाज नहीं किया जा सकता। जो दीगर उनके अमराज़ हैं शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर जो अमराज है वहाँ तो यहाँ पर तो वो उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन अमराज कल्ब के लिए उनको स्पेशल किसी PIC या किसी दीगर जो है हस्पताल दिल के वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। अलबत्ता जो उनके अहले खाना से मुलाकात हुई, मरियम नवाज़ ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो जो रिपोर्ट्स हैं उन तक नहीं पहुँची और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो दोबारा से जेल जाना चाहते हैं। अलबत्ता वजारत दाखिला के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है, वही फैसला करेगी कि कब उनको मुंतकिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, अली अरबाज हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे।